किया, मास्टर हैंड को बीच में रखा और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखा और दूसरा हाथ रख के और पूरी ताकत से, यानी उसकी छाती जो है 3 से 4 सेंटीमीटर दबना चाहिए, यानी जो हार्ट है मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, ये हार्ट जो है 3 से 4 सेंटीमीटर छाती दबेगी तभी जाके ये हार्ट दबेगा, और ये हार्ट दबेगा तो यहाँ पे जो बल है वो खुलेगा। इस प्रकार हम लोग 20 बार उसको दबाना है पूरी ताकत से। जैसे इन्होंने काउंटिंग किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 28, 29 से तो उसके तुरंत बाद ये मिला दो क्रीम देना है, तो उसके जो मुंह है उसके ऊपर कोई हैंडकरचीफ वगैरह है, यदि जैसे इनके पास मास्क है और उसकी नाक को बंद करना है कि मुंह खोला और मुंह मुंह लगाया उसकी सांस दिया तो सांस क्या है नाक से निकल जाएगा, उसकी नाक को बंद करना है, नाक बंद करके और जो पूरी आपके फेफड़ों में सांस है पूरी पूरी उस व्यक्ति को दे देना है। आपको पता होगा ऐसा ही तुम्हारा भी कोई साइकिल अपनाना है, फिर 30 बार दबाना है 2 सांस देना है, 30 बार दबाना है 2 श्वास देना है, यही कार्यवाही आपको 5 बार कंटिन्यू करना है। 5 बार करने के बाद में उसका फिर पल्स चेक करना है, यदि पल्स नहीं मिलता है तो फिर काम करना है, वो यही काम आपको करते रहना है जब तक आपके पास कोई व्यक्ति ना जाए या मैक्सिमम आधा घंटा कम से कम करना ही करना है, क्योंकि 4 से 6 मिनट के अंदर यदि आप ये कार्रवाई कर सकते हो तो थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा। हमारे शरीर में सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हार्ट मर गया, नहीं वो जिंदा है। सबसे पहले जो मरते हैं हमारे ब्रेन, यदि ब्रेन मरना शुरू हो गया वो उसका टाइमिंग है, यदि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति की रिकवरी नहीं, परंतु 4 से 6 मिनट अगर आपने ये कार्रवाई कर दिया तो व्यक्ति क्या जीवित हो सकता है। तो 30 बार दबाना 2 सांस देना, 30 बार दबाना 2 श्वास देना, ऐसे ही करते रहने से क्या व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हुआ है वो स्वस्थ हो सकता है। आपने देखा होगा पिक्चरों में, ये तो हम हाथ से कर रहे हैं, पिक्चरों में किसी को हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर को प्रेस भी लेके आता है और उसकी छाती पे लगाते करके लगाता है, ठीक है ना, डिफिब्रिलेशन बोलते हैं उसको। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल होते हैं या डॉक्टर्स हैं तो उसका भी प्रयास करते हैं,